अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस वर्ष 9 जून को अगवा की गई भारतीय महिला जुडिथ डिसूजा को रिहा कर लिया गया है। वे आज शाम स्वदेश लौटेंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार सुबह ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जुडिथ डिसूजा को रिहा कर लिया गया है। उनकी रिहाई में सहयोग के लिए धन्यवाद अफगानिस्तान। जुडिथ को बचाए जाने की खबर पाकर उनके परिजन काफी खुश हैं। उनकी बहन ने मदद के लिए भारत सरकार का आभार जताया है। गौरतलब है कि जुडिथ पिछले कुछ वर्षों में काबुल में गैर सरकारी संगठन आगा खान फाउंडेशन के साथ काम कर रही थी और उन्हें जून में भारत लौटना था, लेकिन उससे पहले उनका अपहरण कर लिया गया। गोरखपुर के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना के क्रेडिट के लिए सीएम अखिलेश यादव ने भी दावेदारी कर ली है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये जनता को तय करना है। पूर्वांचल में एम्स कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर में एम्स के क्रेडिट के लिए अखिलेश भी कूद गए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के फर्टिलाइजर ग्राउंड में एम्स की आधारशिला रख रहे थे, उसी दौरान अखिलेश मीडिया में इसके क्रेडिट की अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार ने एम्स के लिए मुफ्त में जमीन मुहैया कराई है। सभी जानते हैं कि गोरखपुर में जमीन कितनी महंगी है और ये मिलना कितना मुश्किल है। ऐसे में जनता तय करे कि एम्स लाने में किसका योगदान है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में उन्हें समन भेजने के बारे में पटियाला हाउस कोर्ट 27 अगस्त को सुनवाई करेगा। शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी और निर्वाचन आयोग ने विवाद से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट में सौंप दिया। कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहने के दौरान स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। इससे पहले कोर्ट ने 16 मार्च की डीयू को आदेश दिया था कि स्मृति ईरानी के ग्रेजुएशन में एडमिशन से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा किए जाएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी कमर कसकर तैयार है। इसी क्रम में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बस यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस बस यात्रा को 27 साल यूपी बेहाल का नाम दिया गया है। इस बस यात्रा के जरिए कांग्रेस पिछले 27 साल में यूपी की हुई बदहाली का प्रचार कर मतदाताओं को जागरूक करेगी। इस यात्रा की रवानगी के वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यूपी में वापसी करना चाहती है, इसी कारण से शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट घोषित भी कर दिया गया है। साथ ही चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपने की तैयारी भी की जा रही है। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शनिवार को चेन्नई के ताम्बरम पहुंच गए हैं। कल विमान के सर्च ऑपरेशन के लिए नेवी ने एक पनडुब्बी भेजी थी। लापता विमान का पता लगाने के लिए तमिलनाडु तटीय सुरक्षा समूह ने 12 तेज रफ्तार इंटरसेप्टर्स को चेन्नई से रामेश्वरम वाले क्षेत्र में तैनात किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने परिकर को इस संबंध में जानकारी दी और जल्द ही उन्हें नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की ओर से किए जा रहे खोज एवं बचाव अभियानों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा ये विमान बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते वक्त मार्ग में ही लापता हो गया। जर्मनी के म्यूनिक शहर स्थित शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक हमले में 10 लोग मारे गए हैं, इसमें से एक खुद हमलावर है। वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक म्यूनिक के शॉपिंग सेंटर में एक 18 साल के युवक ने फायरिंग की। इस युवक की पहचान ईरानी मूल के जर्मन नागरिक के तौर पर की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि हमले में मरने वाला 10वां शख्स खुद हमलावर ही था, जिसने फायरिंग करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इससे पहले हमले में 3 बंदूकधारियों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। यह हमला दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिक शहर के ओलंपिक स्टेडियम के पास स्थित ओइजेड शॉपिंग सेंटर में हुआ। उत्तर प्रदेश बीजेपी पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के BSP सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक बयान के बाद जिस तरह से मायावती ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की, दयाशंकर सिंह के बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गए। लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार की ठानी है। BSP नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर दिए गए बयान के जवाब में दयाशंकर सिंह की बेटी और पत्नी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया।
इसलिए बीजेपी दयाशंकर सिंह की बेटी के सम्मान में सभी जनपदों में डीएसपी का विरोध करेगी और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर कार्रवाई की मांग करेगी। ऊना दलित अत्याचार मामले पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर दोषियों से साठगांठ का आरोप लगाए जाने के बाद गुजरात बीजेपी ने आप प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तर्क से तो आपको भी अपने सांसद भगवंत मान की करतूतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राज्य के बीजेपी प्रवक्ता भरत पांड्या ने कहा कि इस मुद्दे पर ये कहकर कि दलित अत्याचार मामले में बीजेपी सरकार की मिलीभगत है, केजरीवाल ने पूरी तरह से अपनी समझदारी में कमी को उजागर किया है। इस तरह के बर्बर कृत्य में कोई भी सरकार मिलीभगत के बारे में सोच नहीं सकती। अगर ये पैमाना लागू किया जाता है तो क्या दिल्ली में हो रहे सभी मामलों में उनकी सरकार की भी मिलीभगत है। कोहिनूर की वापसी के लिए भारत सरकार के मंत्रियों के बीच विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। 15 अगस्त के बाद इस बारे में सरकार यूनाइटेड किंगडम सरकार से बातचीत शुरू कर सकती है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार के साथ अब इस मसले पर बात होनी है। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय जवाहर भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संस्कृति और पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के साथ विदेश और संस्कृति मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ ही देशवासियों की भावनाओं के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड के राजघराने से भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से 100 से अधिक मुस्लिम युवा लापता हो गए हैं और ऐसी आशंका है कि ये लोग आतंकी समूह ISIS में शामिल हो गए हैं। ये दावा शिवसेना के विधायक राहुल पाटिल ने शुक्रवार को विधानसभा में किया। पाटिल का आरोप है कि असउद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ISIS का समर्थन करती है। उन्होंने इस पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने मराठवाड़ा में परभनी से हाल ही में एक युवक की गिरफ्तारी का हवाला दिया जिसके तार कथित रूप से ISIS से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि यहां तक कि पुलिस को लगता है कि लापता हुए ये युवा ISIS में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद चीन की सेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों सहित कई नए हथियारों को सार्वजनिक किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी कमान ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में समुद्र और हवा में मार करने में सक्षम कई हथियारों को पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के उस फैसले की पृष्ठभूमि में इन हथियारों को राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाया गया जिसमें उसने दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज कर दिया था और फिलीपीन के दावे को बरकरार रखा था। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की ओर से हथियारों को इस तरह सार्वजनिक करने का मकसद ये दिखाना है कि दक्षिणी चीन सागर का मोर्चा संभालने वाली उसकी दक्षिणी कमान अमेरिका के साथ किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार है। विराट कोहली विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बन गए हैं। यही नहीं, वे कैरिबियाई धरती पर भी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। कोहली ने कैरिबियाई धरती पर सबसे बड़ी कप्तानी पारी संबंधी राहुल द्रविड़ का 10 साल पुराना रिकॉर्ड शुक्रवार को तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने विदेश में बतौर कप्तान सबसे बड़ी 192 रनों की पारी का मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अजहर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पारी खेली थी। विराट कोहली विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बन गए हैं। यही नहीं, वे कैरिबियाई धरती पर भी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं।